तो दोस्तों अभी आए हैं गौरव ठाकुर जी के घर पे। अभी चलिए घर दिखाते हैं किस तरह से है गौरव ठाकुर जी का, जो कि गौरव ठाकुर की मम्मी है। तो मम्मी नमस्ते। तो चलिए आगे दिखाते हैं गौरव ठाकुर जी का घर। तो हम गौरव ठाकुर जी के घर पे आ चुके हैं। देखिए तो यहाँ पे ढेर सारे फोटो लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे लगे हैं, देख सकते हैं गौरव भाई का। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का ऐसा व्यू है। गौरव भाई का कौन सा रूम है मम्मी? असली गौरव भाई के तो सब रूम है। चलिए अच्छा है। तो गौरव भाई का देख सकते हैं कैसा घर है। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, गौरव भाई के मम्मी और पापा से मिले। अभी हम पहुँच चुके हैं गौरव ठाकुर के घर पे, यानी कि गौरव भैया के घर पे। तो गौरव भैया का घर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर गौरव भैया के पापा जी बैठे हुए हैं। और इनका घर आप देख सकते हो कैसा है, मतलब अभी फ़िलहाल में अच्छा छत ढलाई हुआ है, और इधर पीछे में उनका अच्छा खासा फ़ोटोज़ वगैरह भी लगे हुए हैं गाना का। तो अब हम इनके पापा जी से कुछ बात करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो कुछ आप बोलिए गौरव ठाकुर के बारे में। गौरव हमारा बेटा है, एक नंबर था गौरव, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था। विद्या मंदिर से CBSE से इंटर किया है। विद्या मंदिर का बिहारीगंज? नहीं नहीं, पूर्णिया। पूर्णिया, हम पूर्णिया उस टाइम, पूर्णिया बागमारा एक ही हुआ। तब दियो बयान। अच्छा छोड़ दीजिए, पूर्णिया हुआ तो बागमारा पूर्णिया में ही है ना। बात बात, जैसे अभी हम लोग जानते हैं जैसे पूर्णिया में गौरव ठाकुर का घर, पूर्णिया में बहुत लोग जानते हैं जो बाहर का है। जो नज़दीक का है उनको पता है बरामज्ञानी में है या फिर भवानीपुर में। लेकिन जो खगड़िया जिला है या फिर जो पटना वगैरह में, उनको पता है पूर्णिया जिला में घर है कि यही बात हुआ। तो पूर्णिया विद्या मंदिर से वो अच्छा नंबर से पास किया, इंटर में नाम लिखाया बढ़िया से। तो आप क्या सोच रहे थे कि गौरव नहीं, हम सोच रहे थे कि ये कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर बने। और स्टूडेंट उस लाइक के था ही। जी हाँ, जो कि तो एक मैंने इंटरव्यू मैंने देखा था, जो कि उसका दिल्ली में लिया गया, ऑडियंस को बता रहे थे। तो CBSE से मैंने क्या है बोलने का कुछ अलग ही तरीका, अलग बोलने से पता चलता है कि ये स्टूडेंट है CBSE से जो किया है। तो गौरव जी के बारे में आप ये बताइए, तो कलाकार जो बना है तो आपको कैसा लग रहा है? तो अभी जो पूरे मतलब देश और विदेश में भी जान रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि मेरा बेटा इस मुकाम पे है? पहले तो जब इस लाइन में वो प्रवेश किया जी, तो हम लोग पूरा 2 महीना चिंतित हो गए जी, कि इतना बड़ा होनहार बेटा जी, जो कि हम कॉलेज जब जाते थे उसका एडमिशन कराने के लिए या फीस जमा करने के लिए, तो वो कहता था हेड सर जी विद्या मंदिर का कि आपने स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया है जी। इतना बड़ा नाम कहाँ है इतने, हमको जो कहता था वो 100 कार जीप लगल रहता था, लेकिन उस जगह मेरा जो था जाने के साथ हमारा बेटा का एडमिशन, सबसे पहले पैसा दें तो बाबा ना दे तो बाबा, उससे संपर्क ही इतना ज़्यादा हो गया स्टूडेंट को लेकर के जी। कि मेरा स्टूडेंट ही उस ढंग का था, यहाँ से भी जा कर के वो क्लास करता था साइकिल से, नहीं नहीं घर बस से, और बस से जाता था, बस से भी जा कर के क्लास कर करके कोई इमरजेंसी हुआ तो घर आता था। तो वैसे लॉज में रहते हैं? हाँ हाँ, वैसे लॉज में रहता था। बहुत प्यार मिल रहा है सब सारा कंपनी से, बहुत प्यार मिल रहा है गौरव को, सारी लोग बहुत प्यार दे रहा है। तो गौरव भाई जो है इसको हर कोई सपोर्ट, और हर आदमी इनको खोज रहा है, हर आदमी सपोर्ट कर रहा है। ये सच्चा लड़का है, उसमें कहीं कोई दुमत नाम का चीज नहीं है, ये बहुत शरीफ लड़का है। दिखा चुके हैं, तो अभी चलिए अब घर चलते हैं, जो कि विकास भाई है। अभी घर बाइक घूमेंगे और चलेंगे हम लोग घर। तो गौरव भाई का जो है इस आसपास में साइड का अच्छा लग रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और सब कलाकार को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी एक्टर का घर दिखाएं।